विधायक धर्मपाल गोंडर ने हरियाणा फॉरेस्ट गवर्नमेंट लिमिटेड कार्यालय में चेयरमैन का पदभार संभाला। इस अवसर पर हरियाणा के वन्य एवं शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुज्जर सहित बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पदभार संभालने के बाद धर्मपाल गोंडर ने कहा कि जो जिम्मेवारी उन्हें दी गई है वह उसे पूरी तरह से निभाएंगे और वन को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। पहले तो आज धनपत जी ने ज्वाइन किया उसको लेकर देखिए, आज धर्मपाल गोंडर जी जो पोस्ट के चेयरमैन बनाए, आज हमको ज्वाइन कराने के लिए मैं पहुंचा था और उनको ज्वाइन किया, ज्वाइन कराया। हमने बहुत लंबे टाइम तक हमने इकट्ठा पार्टी में काम किया, आगे भी मिलजुल के काम करेंगे। और जो फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट आज देश की, समाज की, सबकी ज़रूरत है, लेकिन एक इस प्रकार का कुछ पिछले कुछ दिनों में, मतलब पिछले 20, 30, 40 साल में एक ऐसा चेंज आया। पहले तो यहाँ बहुत लोगों में जागरूकता थी फॉरेस्ट के प्रति, चाहे वो धर्म के कारण थी, चाहे हमारे ऋषियों के, हमारे महापुरुषों के कारण थी, तो लोगों में बड़ी जागरूकता थी फॉरेस्ट के बारे में। पेड़ लगाना बड़ा पुण्य का काम समझा जाता था, बाघ लगाना बहुत अच्छा समझा जाता था, लेकिन धीरे धीरे ना आदमी जो है वो केवल आर्थिक बढ़ता चला गया आगे, जहाँ उसको लाभ है वो काम करेगा, जिसमें लाभ नहीं है उसको किसी को करता नहीं है, तो इस तरीके का भाव बढ़ता चला गया। और उसकी वजह से जो है फॉरेस्ट में कमी आई, और अब ऐसा समझने लगे लोग कि जैसे फॉरेस्ट जो है ना जी वो एक सरकार का काम है, हमारा इससे लेना देना कुछ नहीं है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि जागरूकता बढ़नी चाहिए समाज के प्रति, फॉरेस्ट केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम नहीं है, और समाज की भी चिंता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगने चाहिए, ग्रीनरी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करना हमारा सबका धर्म है। तो इसके लिए हम जागरूकता का काम भी करेंगे और फॉरेस्ट भी बढ़ाएंगे। हालांकि हमारे पास बहुत कम एरिया है, लेकिन जहाँ पे भी हमें चांस मिलेगा हम करेंगे। और अभी मैंने एक विचार किया, अभी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम एक ऐप बनाएंगे ऐसा, जिस ऐप में ये निश्चित होगा कि इस जगह खाली है जगह, तो समाज के लोग भी कुछ पेड़ लगाना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि साहब लगाएगा हमें पता तो इन जगह कहाँ है, तो उसके माध्यम से लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पेड़ लगा सकते हैं। कुछ लोग हैं अच्छे जो लगाना चाहते हैं, कोई 100 पेड़ लगाना चाहता है, कोई 200 लगाना चाहता है, कुछ बच्चे पेड़ लगाना चाहते हैं, तो लेकिन उनके पास जगह नहीं है, तो उस ऐप से ये जानकारी मिलेगी कि कहाँ जगह खाली है वहाँ पेड़ लगा सकते हैं, और हमें भी जानकारी मिलती रहेगी कहीं ऐसी जगह है, लोग भी उस पर डालते रहेंगे, ऐप पर डालते रहेंगे कि हमारे गाँव में जगह खाली है आप बात करो। तो एक ऐसी ऐप बनाएंगे और उसके माध्यम से भी हम उसका भी लाभ उठाएंगे। और हमारा ये है कि जहाँ पे भी जगह खाली है, वो चाहे फिर गौचरांद की है या कोई और जगह है गाँव में खाली है उस पर भी, और मैंने तो यहाँ तक भी सोचा कि जो शमशान घाट भी है उनमें भी पेड़ नहीं है लगे, तो उनमें कुछ पेड़ तो लग ही सकता है, मैं ये नहीं कहता वहाँ फॉरेस्ट होगा, लेकिन पेड़ तो लगे, ग्रीनरी तो आएगी, और वो समाज की जरूरत भी है। तो हम चाहेंगे कि लोगों के सहयोग से मिलजुल के ये सारा का सारा, ताकि ग्रीनरी ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जो एक टारगेट हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया जो काम का, तो मिलजुल के उसको पूरा। दूसरी ओर बात करें, गीता महाजयंती पर्व चल रहा है, इसमें उसको लेके क्या क्या, काफ़ी देश भी आ रहे हैं, बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा उत्सव मनाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा कार्य है, वैसे तो पहले भी चल रहा था, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसमें बहुत ज़्यादा रुचि इसमें दिखाई सरकार ने, हमारी सरकार ने, और आज ये पूरे देश में इस प्रकार का उत्सव, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में आजकल इस प्रकार के उत्सव मनाए जा रहे हैं, ताकि जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की धरती पर दिया उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पूरी दुनिया में हो। वो विश्व के कल्याण के लिए है, केवल ऐसा नहीं कि हमारे लिए है, जो भी उसको जानेगा, कोई वो एक मजहब की चीज़ नहीं है, वो एक ईश्वर को जानने का और किस प्रकार से हमें जीना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, और जैसा अगर मेरी श्रद्धा उसके प्रति बढ़ती जाएगी, उसके प्रति विश्वास बढ़ता जाएगा, तो मैं समझता हूँ बहुत सी समस्याओं का समाधान अपने आप ही हो सकता है। तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिले, उसके लिए हमने यहाँ एक उत्सव का यहाँ पर भी एक कार्यक्रम किया, और अब हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। जी धर्मपाल जी, आज आपने कार्यभार संभाला है, क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे दिन का आशीर्वाद सदा रहा, 15-16 साल से आदरणीय कंवर पाल जी मंत्री फॉरेस्ट एजुकेशन और हमारे चेयरमैन गोल्डन साहब रणजीत सिंह गोल्डन कुंडली से, इतना खुशी का दिन है कि इनके माध्यम से, इनके कर कमलों द्वारा मैं यहाँ
ये कार्यभार संभाला मैंने, और मैं ये समझता हूँ कि सारे स्टाफ के साथ, सारे साथियों के साथ एक परिवार जैसा माहौल हो काम करने में, और हम स्टाफ से मिलकर अपने मंत्री जी के जैसे सहयोग होगा मैं बहुत ज़्यादा उसके सहयोग से अधिक काम करें, मेरी यही भगवान से प्रार्थना। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।